तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड ऐप में लॉगिन करते वक्त जो आप एम पिन को डालते हैं चार अंकों का, अगर आप उसको भूल गए हैं तो आप उसको कैसे दोबारा से रीसेट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल वे है, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि दोस्तों आप लोग समझ पाएँ कि हम लोग कैसे अपने एम पिन को रीसेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड ऐप को ओपन करना है। अब यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप बायोमेट्रिक लगा के लॉगिन कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे अपना एम पिन डाल के भी लॉगिन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम एम पिन अपना भूल गए हैं, तो इसको रीसेट करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे फॉरगेट एम पिन का ऑप्शन दिया जाएगा, आपको सिंपली फॉरगेट एम पिन पे टिक कर देना है। तो सिंपली हम फॉरगेट एम पिन पे टिक कर देंगे। यहाँ पे मैंने फोलियो नंबर को सेट कर लिया है और आपको भी दोस्तों वहाँ पे फोलियो नंबर आएगा, आपको उसको सेट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे गेट ओटीपी का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको उस पर टिक करना है। अब इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा और आपको दोस्तों जो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आएगा वो यहाँ पर वैसे तो ऑटो फिलअप हो जाता है, जैसे कि मेरा ऑटो फिलअप हो चुका है, लेकिन दोस्तों अगर आपका ऑटो फिलअप नहीं होता है, अपने आप यहाँ पर फिलअप नहीं होता है, तो आप यहाँ पर मैनुअली भी डाल सकते हैं। इतना होने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है, जो कि आपको डाउन साइड में ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली आपको वेरीफाई ओटीपी पे टिक करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक नया एम पिन बनाने का ऑप्शन आ चुका है। तो आपको दोस्तों जो भी अपना नया एम पिन बनाना चाहते हैं, जो भी आप अपना नया क्रिएट करना चाहते हैं एम पिन चार अंकों का, वो आप दोस्तों यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको दोस्तों यहाँ पर चार अंकों का एम पिन बनाना है और वहीं सेम आपको यहाँ पर रिपीट लिख देना है ताकि दोस्तों वो कंफर्म हो जाए। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे अपने चार अंकों का एक नया एम पिन बना लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आप लोग अपना एम पिन बनाएंगे, इसके बाद ऑटोमेटिक ही आपको ये ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं योर सीक्रेट इज सेफ विथ अस, योर न्यू एम पिन इज सेट। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि भैया आपका जो नया एम पिन है वो सेट हो चुका है। तो दोस्तों आप इसी तरीके से अपने एम पिन को चेंज कर सकते हैं, बहुत ही आसान वे है। फिर भी दोस्तों अगर आपको इस प्रोसेस में कोई कन्फ्यूज़न हुआ हो, आपका कोई भी डाउट हो, तो बेफिक्र होकर दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।